क्रांति की शुरुआत जो है वो कुछ नीलतांर नहीं होती है क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति होने से

तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि मनुष्य के, के, के लिए ह्यूमन वेलफेयर के लिए जो जो हमें आइटम चाहिए जो 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 भी हमें पदार्थ चाहिए फूड चाहिए हमें कॉस्मेटिक चाहिए हमें ड्रग्स चाहिए हमको उन सबको हम बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से पा सके ठीक है कोशिश कर रहे हैं उसके लिए तो लेक्चर नंबर वन में कई सारे कॉन्सेप्ट के ऊपर हमने बात किया था कि कैसे बायोटेक्नोलॉजी की शुरुआत हुई ठीक है उसकी डेफिनेशन के ऊपर हमने बात किया था तो आज लेक्चर नंबर टू में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है बेटा कि बायोटेक्नोलॉजी एज एन मॉडर्न कॉन्सेप्ट आधुनिक संदर्भ में बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या है आज इसका क्या यूटिलिटी है हम देखेंगे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग किस प्रकार से बायोटेक्नोलॉजी से कनेक्टेड है हम उसके ऊपर बात करेंगे फिर हम देखेंगे कि बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग क्या होता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग और फिर देखेंगे बेटा हम कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या टूल्स और टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है यानी वे कौन से टूल्स हैं जिनका इस्तेमाल हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में करते हैं फिर उसके बाद हम देखेंगे कि व्हाट आर दी एंजाइम्स विच आर यूज इन दी जेनेटिक इंजीनियरिंग कौन से एंजाइम ऐसे हैं जिनका उपयोग हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में करते हैं ठीक है तो आज का जो लेक्चर है बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है उस लेक्चर से एग्जाम में कई क्वेश्चन आने की संभावना है बेटा टके और मैं क्लियर कर दू आपको कोई भी एमसीक्यू बुक आप सॉल्व करेंगे आपको क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जो लेक्चर में शामिल किए गए होंगे टीके देखिए मैं हमेशा आपसे कहता हूं बेटा कि एग्जाम के जब हम क्वेश्चंस लगाते हैं ना तो उस समय ये मालूम चलता है कि एग्जाम में पूछता क्या है एग्जामिनर में जब तक आप एमसीक्यू नहीं लगाएंगे तो उसका मतलब ये है कि स्टूल पे खड़े होकर हम तैरने की कोशिश कर रहे हैं तैरना सीख रहे हैं तो आप स्टूल पे खड़े होकर तैरना नहीं सीख सकते आपको नदी में उतरना पड़ेगा पानी में उतरना पड़ेगा पूल में जाना पड़ेगा समझ गए कि इसका मतलब एमसीक्यू हमें रेगुलर बेसिस पे लगाना है अब मैंने आपसे एक छोटा सा प्रॉमिस किया था मैंने आपसे कहा था कि अभी चूंकि मैं आपको बायोटेक्नोलॉजी में टास्क असाइन कर रहा हूं तो इसका एक एडवांटेज ये मिलना चाहिए कि हम कुछ एमसीक्यू यहां पर डिस्कस क्यों ना कर ठीक है चूंकि लेक्चर नंबर वन में बड़ा कुछ बेसिक था तो उससे जो क्वेश्चन बन रहे हैं जो एमसीक्यू सामने आ रहे हैं जो एग्जाम में पूछे एमसीक्यूज हैं, हैं तो उनको हम एक बार देख लेते हैं तो पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है तो एक काम करूंगा मैं पहले क्वेश्चन बोलूंगा आपको स्क्रीन पर भी क्वेश्चन दिखाई देगा और आपको उसका आंसर भी करना है समझ गए ना ठीक है एकदम एक्टिव रहना है क्वेश्चन नंबर वन है बायोटेक्नोलॉजी इज एन अप्लाइड साइंस विच इन्वॉल्व्स बायोटेक्नोलॉजी एक अनुप्रयोगिक विज्ञान है जिसमें यह शामिल है बायोटेक्नोलॉजी इज एन एप्लाइड साइंस विच इन्वॉल्व ऑप्शन ए है माइक्रोबायोलॉजी ऑप्शन बी है मोलिकुलर बायोलॉजी ऑप्शन सी है जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज ठीक है क्या आंसर होगा जल्दी बताओ जल्दी जल्दी बताओ क्या आंसर इसका होगा आंसर इसका है ऑल ऑफ दीज क्लियर ठीक है क्योंकि इसमें माइक्रोबायोलॉजी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जेनेटिक इंजीनियरिंग तीनों चीजें शामिल होती है क्वेश्चन नंबर सेकंड आई एम के द डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एज बायोटेक्नोलॉजी की जे प्रौद्योगिकी परिभाषा है द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म सेल्स पार्ट्स देयर ऑफ एंड मॉलिकुलर एनालॉग फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इज गिवन वाय बायोटेक्नोलॉजी की परिभाषा है द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म सेल्स पार्टस देयर ऑफ एंड मॉलिकुलर एनोलॉग फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इज गिवन बाय इस परिभाषा को किसने दिया था ऑप्शन ए है ई एफ बी ऑप्शन बी है आई ऑप्शन सी है एच जी पी ऑप्शन डी है यू टी आर क्या आंसर है इसका इसका आंसर बताइए बेटा बता। फटाफट आंसर दीजिए आंसर क्या इसका इसका आंसर है यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ई एफ बी का डेफिनेशन है ठीक है क्वेश्चन नंबर तीन विच ऑफ दी फॉलोइंग डज नॉट इन्वॉल्व बायोटेक्नोलॉजी किसमें बायोटेक्नोलॉजी शामिल नहीं है ऑप्शन ए है बेबी ऑप्शन बी है डेवलपिंग ए वैक्सीन ऑप्शन सी है करेक्टिंग ए डिफेक्टिव जीन ऑप्शन डी है एपिकल्चर बताइए क्या होना चाहिए तो जो क्वेश्चन है वो ये है कि किसमें बायोटेक्नोलॉजी शामिल नहीं है टेस्ट्यूब बेबी डेवलपिंग ए वैक्सीन करेक्टिंग ए डिफेक्टिव जीन और एप्रीकल्चर याद रखिएगा आंसर इसका है एप्रीकल्चर एप्रीकल्चर जो है एनिमल हस्बेंड्री में आता है बायोटेक्नोलॉजी में नहीं आता है ठीक है क्वेश्चन नंबर फोर विच ऑफ फॉलोइंग फॉर्मेशन इज नॉट माइक्रोमीडिएटेड किसके निर्माण में माइक्रो ऑर्गेनिज भाग नहीं लेते ऑप्शन ए है कर्ड ऑप्शन बी है ब्रेड ऑप्शन सी है वाइन ऑप्शन डी है ऑरेंज जूस ठीक है आंसर क्या है इसका ऑरेंज ज्यूस क्वेश्चन नंबर फाइव विच प्रोसेस विच प्रोसेस लीड्स टू ए टेस्ट ट्यूब बेबी किस प्रक्रिया से टेस्ट ट्यूब बेबी मिलेगा किस प्रक्रिया से टेस्ट ट्यूब बेबी बनेगा ऑप्शन ए है पार्थेनोकार्पी ठीक है और पार्थेनोकार्पी का मुझे डेफिनेशन भी कमेंट में चाहिए आप समझ लीजिए अब मैंने ये वर्ड बोला पार्थेनोकार्पी पढ़ा चुका ऑलरेडी मैं आपको तो पार्थेनोकार्पी का डेफिनेशन भी मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए ठीक है ऑप्शन बी है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ऑप्शन सी है इन इनवाइवो फर्टिलाइजेशन ऑप्शन डी है सिंगेमी और सिंगेमी क्या होता है ये भी डिफाइन करना है आपको कमेंट बॉक्स में तो अब आपके पास क्वेश्चन नंबर फाइव में जो ऑप्शन आपको मैंने दिए हैं वो ऑप्शन क्या है बेटा वो ऑप्शन है

अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है विच वन ऑफ दी फॉलोइंग ऑर्गेनिम्स प्लाज्मिट विच वन ऑफ दी फॉलोइंग ऑर्गेनिम्स प्लाज्मिट वॉज यूज सक्सेसफुली फॉर फर्स्ट टाइम एज ए वैक्टर बाय स्टेनले कोहेन एंड हर्बर्ट हर्बर्ट बोयर और ये मैंने आपको बताया पिछली क्लास में के किस जीव का प्लाज्मिट पहली बार सफलतापूर्वक स्टेनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर ने वेक्टर के रूप में इस्तेमाल किया विच वन ऑफ दी फॉलोइंग दर्गेनिम्स प्लाज वॉज यूज सक्सेसफुली फॉर फर्स्ट टाइम एज ए स्टेनले कोहन एंड हर्बर्ट बोयर ऑप्शन आपके सामने ऑप्शन बी है ऑप्शन सी है राइजोबियम लेग्योमोसेरम ठीक है, है, है क्वेश्चन सुन लीजिए विच वन ऑफ दर्गेनिम्स प्लाज्मिट वॉज यूज सक्सेसफुली फॉर दी फर्स्ट टाइम एज ए वैक्टर बाय स्टेनले कोबर्ट बोयर किस जीप के प्लाजमेट का पहली बार सफलतापूर्वक स्टेनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर ने वेक्टर के रूप में इस्तेमाल किया ऑप्शन ए है सालमला टाइफीमोरियम ऑप्शन बी है राइजोबियम ठीक है बताइए यह उत्तर बिल्कुल सही बताना है ठीक है समझिए पहले वाले भी बताया क्या आंसर है इसका बेटा इसका आंसर है सालमुला टाइफीमोरियम ठीक है 1972 जब उन्होंने इसका वेक्टर के रूप में इस्तेमाल किया ठीक है चलिए एक प्रश्न का मुझे और उत्तर दीजिए आप लास्ट क्वेश्चन आज का है ना फिर हमारे बार जो है वो लेक्चर में बेटा क्वेश्चन शामिल करते हुए चलेंगे मॉलिकुलर सीजर इज आणविक कैची है और ये पढ़ा चुका हूं ये मत बोलना नहीं पढ़ा हमने तो ऑप्शन ए है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ऑप्शन बी है सेल्युलेस ऑप्शन सी है काइटिनेस ऑप्शन डी है पॉलीमरेज क्या आंसर है इसका वेरी गुड क्या आंसर जोर से बोलो क्या आंसर है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ठीक है चलिए तो अभी तो हमने कुछ गिनती के क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किए हमने नेक्स्ट क्लास में हम और बात करेंगे आगे और हाँ एक बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन किसी ने मुझसे पूछा कमेंट में लेक्चर नंबर वन के बाद जो कमेंट में एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया कि सर क्या जब जो हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कर रहे हैं उससे क्या कर रहे हैं हम हम एक अनरिलेटेड ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अनरिलेटेड है उनके जीन आपस में हम जोड़ रहे हैं कर रहे हैं हम जोड़ रहे हैं कि हमने बैक्टीरिया का जीन प्लांट में जोड़ दिया हमने इसका एनिमल का जीन दूसरे एनिमल में जोड़ दिया मतलब हम जो है वो कुल मिला के जेनेटिक लेवल पर फेरबदल कर रहे हैं क्या इससे जीन पॉल्यूशन नहीं होगा बड़ा इंटेलिजेंट क्वेश्चन है ये बेटा और जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा है नाम बेटा मैं भूल गया हूं अगली बार से मैं नाम भी याद रखूंगा आप लोगों के तो आ, ये क्वेश्चन बड़ा इंटेलिजेंट क्वेश्चन है और इस पर दुनिया भर में कंट्रोवर्सी है इस क्वेश्चन पर पहली बात तो कई वैज्ञानिक कहते हैं कि जीन पॉल्यूशन वर्ड कंट्रोवर्शियल वर्ड है ऐसी कोई चीज होती नहीं है कई वैज्ञानिक कहते हैं नहीं जीन पॉल्यूशन सही बात है क्योंकि कारण यह है कि आप अनरिलेटेड जीवों का प्रकृति में जो जेनेटिक कॉम्बिनेशन अवेलेबल नहीं थे आप उन कॉम्बिनेशन को तैयार कर रहे हो तो साइंटिस्ट कहते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी में जेनेटिक इंजीनियरिंग करने में हम डिफरेंट कॉम्बिनेशन तैयार कर रहे हैं जिससे हम नेचुरल जीनोम को पॉल्यूटेड कर रहे हैं जो नेचुरल जीनोम है उसमें हम ऐसे डाल रहे हैं जो, जो प्राकृतिक रूप से प्रेजेंट नहीं थे, इससे इससे क्या होगा? इससे कई बार क्रॉस हो तो कई कई कुछ, कुछ जीन में होने वाले परिवर्तनों से भी खेल सकते आने वाले समय, में। आने वाले समय में से कुछ ऐसे वायरस निकल सकते हैं जो वायरस मनुष्य के लिए खतरा बन जाए तो क्या हम कहते हैं हम कहते हैं कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है वे जीन पॉल्यूशन कर सकते हैं यदि क्रॉस इंफेक्शन होता है और बड़े पैमाने पर हम जीनोम को इन्फ्लुएंस करते हैं तब ऐसा हो सकता है तो लेकिन अभी भी जीन पॉल्यूशन टर्म जो है वो एक कंट्रोवर्शियल टर्म है कई सारा बड़ा साइंटिस्ट का वर्क इसके अगेंस्ट में और कुछ साइंटिस्ट के सपोर्ट में इसीलिए आप देखेंगे बीटी ब्रिंजल जो थ्रो से बनने वाला जो जो बेगन था वो खाने की परमिशन नहीं मिली कई आप सुपरमार्केट में जाएंगे वहां पे पे क्रॉप लिखा होगा जीएमओ फ्री मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड का इस्तेमाल नहीं किया गया है उसमें जीएमओ फ्री क्रॉप मतलब आज लोग डरते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेज को खाने से क्योंकि तो क्रॉस इन्फेक्शन का खतरा भी होता है उसमें तो क्वेश्चन बड़ा इंटेलिजेंट क्वेश्चन था बहुत बढ़िया क्वेश्चन था आप जब ऐसा कुछ सोचते हैं ना अच्छा तो वाकई खुशी मिलती है लेकिन आप समय खराब नहीं करते हैं लेक्चर पे लेक्चर लेक्चर नंबर टू पर हम कंटिन्यू करते हैं लेक्चर के बाद में आप फिर से आपसे दो मिनट बात करूंगा तो चलो बेटा लेक्चर नंबर टू सुनते हैं है ना और कोई डाउट हो बेटा लेक्चर में कमेंट में लिख भेजना मैं अगले अगली क्लास में उसको कवर कर लूंगा है ना बिल्कुल भी ये मैं असाइन टास्क है तो सर ने निपटा दिया ऐसे नहीं मैं आपके साथ बेटा बराबर मेहनत कर रहा हूं ठीक है मेरा साथ दीजिए ठीक है चलिए तो लेक्चर सुनते हैं हेलो कमांडोज वेलकम टू बायोमेंट्रक्स क्लासेस ऑनलाइन आई एम डॉक्टर गीतेन सिंह और हम पढ़ रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी तो अभी तक हम समझ चुके हैं कि बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या है बायोटेक्नोलॉजी एक अप्लाइड साइंस है बायोटेक्नोलॉजी का इंपॉर्टेंस डे बाय डे बढ़ता जा रहा है क्योंकि बढ़ती हुई ह्यूमन पॉपुलेशन को तमाम प्रकार के रिसोर्सेज की आवश्यकता है जहां पर फ्यूल से लेकर फूड तक शामिल है और वो सबको प्रोवाइड करने में बायोटेक्नोलॉजी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तो हमने पिछली बार बार देखा था कि बायोटेक्नोलॉजी जो है वो एक इवॉल्विंग साइंस है और हम इतना ये भी हम जानते हैं कि ऐसा नहीं है कि बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमने अभी हाल ही में शुरू किया है एक्चुअली में एंशियन बायोटेक्नोलॉजी में दही का बनाना एल्कोहल का प्रोडक्शन करना ब्रेड का बनाना वो सब शामिल था ठीक है लेकिन आज के संदर्भ में हम बायोटेक्नोलॉजी को थोड़ा और इवॉल्व करके देख रहे हैं आज हम डीएनए के लेवल पर मैनिपुलेशन करने की बात कर रहे हैं आज हम लिविंग फार्मास्यूटिकल फार्मासक्ट्रीज बनाने की बात कर रहे हैं हम चाहते हैं आज के एनिमल हमारे लिए वो चीजें प्रोड्यूस कर सके जिसके लिए हम बड़ी बड़ी मशीनें लगाते थे ठीक है हम चाह रहे हैं कि हमारे लिए दवाइयां हमारे लिए फाइन केमिकल्स वो सब हम जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज की हेल्प से प्राप्त कर सकें के तो यहां पर बायोटेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तो पिछली क्लास में जहां बात खत्म की थी मैंने आपसे मैंने आपसे कहा था बेटा लेक्चर नंबर वन में कि व्हाट आर are द एरियाज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र क्या होते हैं तो मैंने आपसे कहा था सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है जेनेटिक इंजीनियरिंग ठीक है जहां जिसकी मदद से हम जो है वैक्सीन हार्मोन एंटीबायोटिक इंटरफेरॉन एंजाइम फाइन केमिकल को प्राप्त कर सकते हैं फिर मैंने आपसे कहा था कि हमारी फ्यूल की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है कि हमें हमें किसी भी कंट्री को तरक्की करना है किसी भी व्यक्ति जो है वो देश को आगे बढ़ना है तो सिर्फ उसे, उसे जो है वो एनर्जी रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होगी और वो ऊर्जा आएगी कहां से तो उस ऊर्जा के लिए हम बायोमास प्रोडक्शन भी बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से कर सकते हैं सिंगल सेल प्रोटीन हुए माइक्रो प्रोटीन हुए बायोफ्यूल्स हुए ये इसके सोर्स है फिर प्लांट एंड एनिमल सेल कल्चर की बात की थी कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज याद रखिएगा मोनो क्लोनल एंटीबॉडी किडनी ट्रांसप्लांटेशन के दौरान इस्तेमाल की जाती है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो है बड़ी इंपॉर्टेंट एंटीबॉडी होती है और जो कई प्रकार के इन्फेक्शन को टैकल करने में काम आती है वो भी बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से हम प्राप्त करते हैं के फिर मैंने आपसे कहा सोमेटिक एम्ब्रियो क्या होते हैं हम आगे बात करेंगे माइक्रो प्रोपेगेशन हुआ फिर बायो फर्टिलाइजर्स की बात करें हम के बायो एनर्जी में मीथेन बायोडीजल एल्कोहल के प्रोडक्शन की बात करें हम के आपको पता है ना कि आजकल जो है पेट्रोल में जो है वो एल्को एक परसेंटेज टेन परसेंट तक एल्कोहल मिलाया जाता है पता है कि नहीं बता के दुनिया भर में ब्राजील दुनिया भर में ब्राजील पहली ऐसी कंट्री थी जिसने एल्कोहल का उपयोग जो है ऑटोमोबाइल फ्यूल के रूप में किया था ठीक है फिर एंजाइम टेक्नोलॉजी की बात करें तो कीमोथेरेपी हुआ फूड प्रोसेसिंग हुआ फाइन केमिकल्स हुआ आज के इसके अलावा वाटर रिसाइकिलिंग हुआ पॉल्यूशन को कम करना फाइटो रेमिडेशन रिमेडिशन विद द हेल्प ऑफ जेनेटिकली इंजीयर्ड इंजीनियर्ड प्लांट क्या उसके लिए बात करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें हम कि ऐसा विकास करें हम कि हमारे इन्वायरमेंट को कम से कम डैमेज पहुंचे ये सारे फील्ड मतलब ये समझ लीजिए आप कि हमारे जीवन को टच करने वाली जितनी संभावनाएं हैं हर संभावना में बायोटेक्नोलॉजी शामिल है ठीक है चलिए अब एनसीआरटी पर लौटते हैं ठीक okay. है हम बात करेंगे भी एनसीआर बेटा हम देखते हैं इसमें कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की हम बात करेंगे कि क्या दो कोर टेक्निक क्या है हम इतना कहते हैं मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की हम बात करें तो हम कहते हैं कि देर आर टू कोर टेक्निक दैट इन एवल्ड बर्थ ऑफ मॉडर्न बायोटेकोलॉजी ध्यान से बात सुनिए करके यहां पर मैंने वर्ड यूज किया है मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी के मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी ध्यान से बात सुन के देखो बेटा एक एंशियन बायोटेक्नोलॉजी जब वर्ड आप यूज करते हो तो वहां पर कर्ड का प्रोडक्शन से लेकर जितनी भी टेक्निक जहां पर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या एनिमल्स इन्वॉल्व है उनको आप शामिल कर लेते हो ठीक है लेकिन जब आप मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी वर्ड यूज करते हो तो आप तब फोकस करते हो मैनिपुलेशन एट द लेवल ऑफ जीन जीन्स के लेवल पर मैनिपुलेशन पर आप बात करते हो ठीक है

अभियांत्रिकी या इंजीनियरिंग वर्ड का मतलब क्या है तो इस वर्ड का मतलब होता है टू मैनिपुलेट इसका मतलब होता है टू मैनिपुलेट थिंग्स ठीक है ना चीजों को मैनिपुलेट करना उनमें फेर बदल करना ठीक है तो बेसिकली वॉट इंजीनियर्स डू बेसिकली इंजीनियर्स क्या करते हैं डिफरेंट डिफरेंट जो अवेलेबल ऑब्जेक्ट होते हैं उनको जोड़कर वो मशीनरी तैयार करते हैं वो उनको जोड़कर वो सर्किट्स बनाते हैं वो तो बेसिकली इंजीनियरिंग का मतलब होता है प्रयोग करना एक्सपेरिमेंट करना और चीज़ों को बदल कर जो है नए फॉर्म में पेश करना ठीक है जो और बेटर होती है भाई देखो मैकेनिकल इंजीनियर क्या करता है वो मशीनरी का इस्तेमाल करता है और उन्हीं पुर्जों को जोड़कर जो है वो एक बेहतर मशीन को तैयार करता है वो के इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो है उस प्रकार काम करता है कंप्यूटर इंजीनियर जो है वो कंप्यूटर में नए कोड को क्रिएट करता है है ना भाई नए कोड को क्रिएट करने का मतलब है कि पुरानी जो इन्फॉर्मेशन है उसी को उसी में फेरबदल करके जो है वो एक नया कॉम्बिनेशन बनाया जाता है ठीक है तो इंजीनियरिंग इज बेसिकली मैनिपुलेशन ठीक है जब हम जीन के लेवल पर फेरबदल करते हैं ध्यान से बात सुना जब हम फेरबदल जीन के लेवल पर करते हैं तब उसे हम बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग क्लियर तब उसके लिए हम अनुवांशिक अभियांत्रिकी वर्ड का यूज करते हैं क्या लिखा टेक्निक टू अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए आरएनए टू इंट्रोड्यूस दिस इनटू होस्ट ऑर्गेज एंड दस चेंज द फिनोटाइप ऑफ द होस्ट ऑर्गेज क्या क्या बोल रहे हैं एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि जब आप जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है इसका मतलब है कि जेनेटिक इंजीनियर बताता है कि डीएनए आर की केमिस्ट्री में परिवर्तन करना उनके अंदर कोड को चेंज कर देना भी इंपॉर्टेंट है भाई एक डीएनए सिक्क्वेंस है उस डीएनए का एक हिस्सा आपने काट के अलग कर दिया दूसरा हिस्सा उसमें लाके जोड़ दिया आपने डीएनए में कोई कोड था जिसके कारण एक जेनेटिक डिजीज हो रहा था एक अनुवांशिक बीमारी हो रही थी आपने डीएनए का वो हिस्सा काट के अलग कर दिया और हेल्दी डीएनए वहां पर इंट्रोड्यूस कर दिया किया ना आपने फेरबदल आपने अनहेल्दी प्रॉपर इंफॉर्मेशन थी चेंज किया या नहीं किया जीन थेरेपी बोलोगे या नहीं बोलोगे बोलोगे जीन इसको आप के तो ये, क्या, ये क्या हो गया ये जेनेटिक इंजीनियरिंग हो गए ठीक है ना फिर रही बात अब क्या लिखा है इसमें दस चेंज द होस्ट ऑर्गेनिज्म एक बात समझ में यदि हम जेनेटिक्स पढ़े बगैर और मोलिकुलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़े बगैर इस चैप्टर पे आते हैं ना तो समझने में दिक्कत होती है क्योंकि इसमें कई सारे वर्ड ऐसे हैं जो मॉलिक्यूल्स के वर्ड है जो मॉलिकुलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस के वर्ड है जो प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिटरी एंड वेरिएशन के वर्ड है वो यहां पे काम आएंगे बेटा ठीक है तो मैंने क्या कहा आपसे मैंने कहा कि जो है जो है वो क्या होगा जीन में आप फेरबदल करोगे जब जीन में फेरबदल करोगे होस्ट ऑर्गेनिज्म में आप डीएनए को इंट्रोड्यूस करोगे नए डीएनए को इंट्रोड्यूस करोगे तो होस्ट ऑर्गेनिज के अंदर आप डीएनए इंट्रोड्यूस करोगे वो वो कैरेक्टर प्रोड्यूस करेगा वो उन कैरेक्टर को प्रोड्यूस करेगा जिनकी आपको आवश्यकता थी फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हो आप चाहते हो कि ह्यूमन विंग्स के लिए जो इंसुलिन है जो हार्मोन इंसुलिन है जो डायबिटीज के नियंत्रण में हेल्प करता है डायबिटीज को कंट्रोल करने में हेल्प करता है शुगर का लेवल कंट्रोल करने में हेल्प करता है जिसकी कमी से डायबिटीज हो जाता है तो अब क्या है उस इंसुलिन के प्रोडक्शन के लिए आप चाहते हो भाई देखो इंसुलिन हमको चाहिए अब आप बोलोगे भाई अच्छा एक काम करते हैं ना मैं आपको इंसुलिन डोनेट कर देता हूँ नहीं ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि हार्मोन जो उतना ही बॉडी में बनता है जितनी उसकी रिक्वायरमेंट होती है इसका मतलब ये हुआ कि हार्मोन यदि अधिक बनेगा तो हाइपर सिक्रेशन की बीमारी हो जाएगी कम बनेगा हाइपो सिक्रेशन की बीमारी हो जाएगी तो हार्मोन एक्स्ट्रा नहीं होता बॉडी में हार्मोन उतना ही होता है जितनी उसकी रिक्वायरमेंट होती है तो फिर क्या करना पड़ेगा फिर पहली बार जब इंसुलिन का इस्तेमाल किया गया तो पोर्क इंसुलिन इस्तेमाल किया गया फिर बीफ इंसुलिन का इस्तेमाल किया काऊ के इंसुलिन का इस्तेमाल किया लेकिन दोनों एलर्जिक थे दोनों सूट नहीं किए ह्यूमन बॉडी को इंसुलिन काफी हद तक सक्सेसफुल रहा लेकिन जो है बीफ इंसुलिन जो है वो उतना सक्सेसफुल नहीं रहा बाद में जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग के बाद में अब हम बैक्टीरिया के हेल्प से आज मार्केट में जितने भी इंसुलिन अवेलेबल हैं अच्छे ब्रांड के सब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बने हुए हैं अब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या हम आगे बात करेंगे सभी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बने हुए हैं और सभी को कर रहा है, कुलाई क्या आपने, आपने वो जीन जो इंसुलिन को बनाने के लिए उस इंसुलिन का प्रोडक्शन करने लगा नॉर्मली एशिया इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं करता है लेकिन आपने चूंकि उसके अंदर जीन इंट्रोड्यूस कर दिया है तो उसके अंदर एक नया करेक्टर आ गया अब वो इंसुलिन का प्रोडक्शन करने लगा और उसी इंसुलिन को आपने आइसोलेट किया और इस्तेमाल किया दवा के रूप में ना जो जिनका जुन, हम इस्तेमाल आज करते आ रहे हैं कर रहे हैं ठीक है है ना ये है जने फिर अगला आते हैं कि बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है अब देखो बेटा मेरी बात ध्यान सुन के आपने तमाम मेहनत किया आपने एक बैक्टीरिया लिया उस बैक्टीरिया में आपने जो है उसका प्लाज्मिड बाहर निकाला आपने प्लाज्मिड बैक्टीरिया में एक्स्ट्रा डीएनए सर्किल होते हैं प्लाज्मिड को काटा आपने और आपने कहा कि प्लाज्मिड में काट के हम फॉरेन डीएनए जो हमारा डिजायरेबल डीएनए है वो प्लाज्मिड में जोड़ देंगे और प्लाज्मिड को बोलेंगे वापस घर के अंदर जाओ वापस अंदर डाल देंगे हम ठीक है तो बैक्टीरिया उसको प्लाज्मिड को एक्सेप्ट कर लेगा और काम करेगा प्रोडक्शन करेगा अब आप सोच रहे हो कि सर ये बात हमको ऐसा समझ में नहीं आ रहा है कि प्लाज्मिड का यूज क्यों कर रहे हैं हम सीधा जीन

ऐसे आप मुझसे एक एक मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं कि आपका घर है ठीक है आपके घर में आप लोग रहते हैं ठीक है घर में जो है आपके घर में आप लोग रहते हैं बकायदा आपके घर घर के सबसे पहले घर, घर में एंटर करने के बाद एक ड्राइंग रूम है या लिविंग रूम है जहां पर लोग जो मिलने वाले आते हैं उनको बैठा कर आप बात करते हैं पापा बात करते हैं लोगों से ठीक है ना तो आपने क्या देखा आप अपने घर के अंदर थे सडनली आपने देखा कि एक आदमी जिसको आप जानते नहीं है मेरी बात सुनना इमेजिन करना इसको सडनली एक आदमी जिसको आप जानते नहीं है वो आपके लिविंग रूम ड्राइंग रूम में आकर बैठा हुआ है या आपके बेडरूम में जाकर वो बैठ गया सो गया आपने कहा, भाई साहब कौन कहां से वो आदमी कुछ ना बोला आपने कहा कैसे भैया अंदर कैसे घुस गया घर में हमारा घर है तुम कहां चलते फिरते अंदर घुस घुस गए घर में आपने बाहर निकलो चलो बाहर निकलो उस आदमी को आपने कहा यार जानते नहीं ना पापा जानते इसको ना मम्मी जानती इसको ना हम जानते इसको कोई नहीं जानता इसको ये आदमी है कौन जो सडनली हमारे घर के अंदर घुस के बैठ गया और अंदर तक तो चला गया घर के अंदर तक तो चला गया ये। और तोर थोड़ा बड़ा वाला हुआ तो घर में गया किचन में गया डब्बा खोला खाना वाना खाने लगा आपने कहा भाई कौन भैया कहां से आ गए तुम बाहर निकलो चलो आपने बाहर क्योंकि आप जानते नहीं है वो स्ट्रेंजर है इससे आपने बाहर कर दिया लेकिन अब आप एग्जाम्पल को चेंज करते हैं वही आदमी वही आदमी किस्सा चेंज किया हमने वही आदमी जो है आपके पापा के साथ घर आया हुआ है आपके पापा घर से बाहर गए थे ऑफिस गए थे पापा के साथ में जो है वो स्कूटर पे बैठ गया बाइक पर बैठ गया कार में बैठ के साथ में वो आए अंकल आपके घर में आए जैसे घर में पापा के साथ आए तो आपने कहा अंकल जी नमस्ते मम्मी पापा ने सिखाया ना कोई बाहर का आए तो नमस्ते करना ऐसे नमस्ते नमस्ते ठीक है बोल के आप बाहर निकल गए ठीक है मम्मी ने देखा अच्छा कोई आया हुआ है मम्मी ने कहा कि चाय पियेंगे आप तो चाय बनवा दिया ठीक है बिस्किट भी खिला दिया है ना कुछ पकौड़े वकोड़े खाएंगे ठंड के दिन है अच्छे इत के तो वो भी वो भी खिला दिए बड़े मान सम्मान से बात किया अभी भगाया नहीं आपने पहले आप बोल रहे थे अरे भाई साहब कैसे अंदर घुस गए कौन हो आप कहाँ से आ गए अभी आप नहीं बोल रहे अभी आपको पता है कि घर वालों के साथ में आया इसलिए मतलब ये हमारे पापा का परिचित या कोई हमारे घर का मतलब कोई क्लोज पहचान वाले हो सकते हैं तो बदतमीजी नहीं करना बिल्कुल भी समझ गए ना हमारे बच्चों को भी सिखाया हुआ हमने कोई बाहर का आया तो नमस्ते क्या करो रो तो ऐसे चलते फिरते से उनको लगता है कि नमस्ते करना मतलब कोई काम टाइप का है तो वो निकलते नमस्ते अंकल मैं बोलता हूँ बच्चों से बोलता हूँ बेटा थोड़ा ठीक से ना मतलब तो इन्वॉल्व होके नमस्ते क्या करो नमस्ते किया तो सही ठीक है तो एक्चुअली में आपको सिखाया था बस पेरेंट्स सिखाते भैया थोड़ा सा मतलब तो कोई बाहर का आया तो सम्मान से बात करो लेकिन वही आदमी बगैर बताए घर के अंदर था जानते नहीं थे उसको तो आपने भगाने की कोशिश की भैया बाहर निकलो हम नहीं जानते तुमको कौन हो तुम किया ना आप समझ लीजिए बिल्कुल यही बिहेवियर बैक्टीरियल सेल करती है यदि बैक्टीरियल सेल में आपने कोई जीन जो ऑलरेडी नेचुरली उसके सिस्टम का हिस्सा नहीं है उस जीन को आपने बैक्टेयल सेल में डायरेक्ट इंटर कर दिया तो बैक्टीरियल सेल उस जीन को डीएनए को एक्सेप्ट नहीं करेगी बल्कि उसको वो डिस्ट्रॉय कर देगी और उसको एक्सप्रेस होने से रोक देगी लेकिन वही डीएनए वही फॉरेन डीएनए वही डिजायरेबल डीएनए आपने बैक्टीरियल सेल का अपने खुद के डीएनए के साथ जोड़ दिया प्लाजमेट बैक्टेर सेल का डीएनए उसमें जोड़ दिया आपने

अब प्रॉब्लम मेहनत किया हमने उस को का मौका दिया हमने कल्चर मीडियम नहीं है कल्चर मीडियम प्रॉपर नहीं है तो वो थोड़ा कर कर गया, गया। जिसने कॉम्पीट कर दिया और उस को मार दिया तो आप बोलोगे सारी मेहनत खराब हो गई पता है आपको तो कल क्या हुआ इस लेक्चर को रिकॉर्ड करने की मैंने सेकंड टाइम रिकॉर्ड कर रहा हूं इसके आज जो रिकॉर्ड कर रहा हूं ठीक एक दिन पहले जो है मैंने इस लेक्चर को पूरा घंटा भर रिकॉर्ड किया 45, uh, 50, 52 मिनट के आसपास लेक्चर रिकॉर्ड किया होगा मैंने और आपको बता दूं मैं कि सरप्राइजिंगली मैं बोलता रहा बोलता रहा बोलता रहा और मेरा साउंड सिस्टम जो है जो हम लोग क्या करते हैं हमारे यहाँ पे जो है वो रोड का एक अच्छा वाला माइक्रोफोन सिस्टम है जिसको बोलते हैं फिल्म मेकर सिस्टम जो है सबसे एडवांस रोड का सिस्टम है वो इस्तेमाल करते हैं लेकिन उसमें क्या है जो बैटरी वैटरी सब चेक करना पड़ता है मैं बैटरी चेक करना भूल गया मैं बोलता रहा बोलता रहा बोलता रहा वो लेक्चर के शुरुआत में जो है वो एक मिनट बाद ही वो बंद पड़ गया मैं पूरा बा, बावन मिनट बोला बावन मिनट बोलने के बाद मैंने देखा अरे केवल मुंह चलाता दिख रहा हूं मैं टैप टाइम टॉप एक भी साउंड आवाज नहीं आ रहा है क्या करूं दोबारा मेहनत करना पड़ा दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूं ये मैं क्योंकि मेरे बच्चों का नुकसान होना चाहिए मन बड़ा खराब हो गया मन से, मन से के, के, उदाहरण नहीं हुआ टेक्नोलॉजी तो, अभी भी मैं साउंड ही चेक करता तो जब आप बोलते हो क्या देखते हो आप तो एक्चुअली हमारा सिस्टम में काम कर रहा होता है तो सिस्टम में हम तमाम जो पैरामीटर है मीटर मीटर चलता था उसमें ये साउंड का इतना साउंड आ रहा है ये आ रहा है वो चेक करते थे बीच बीच में कि पता चला कि अपनी कहानी पूरी बोल दी और रिकॉर्ड कुछ हुआ नहीं तो एक्चुअली मैं इतना मेहनत करने के बाद अब दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूं मन में सर यार क्या आप सोचो बैक्टेरिया जो साइंटिस्ट साँटिस, साइंटिस्ट जेनेटिक इंजीनियरिंग किया पूरा बैक्टेरिया बनाया उसने और बनाने के बाद उसने कल्चर मीडियम में डाला कल्चर मीडियम में कोई ऑलरेडी दूसरा एडल्टेड बैक्टेरिया प्रेजेंट था कोई दूसरा बैक्टेरा प्रेजेंट था उसने कॉम्पीट किया उसको मार दिया पूरी मेहनत पानी में चली गई तो इसका मतलब यह है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग करने के बाद बैक्टीरिया के अंदर जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डालने के बाद में आपको यह भी इंश्योर करना पड़ेगा कि बैक्टीरिया जिस कल्चर मीडियम में ग्रो करे वो एकदम एसेप्टिक हो उसमें कोई दूसरा बैक्टीरिया प्रेजेंट ना हो प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड हो उसको ताकि बैक्टीरिया जो है वो आसानी से ग्रो कर सके और वो हमारे मनचाहे प्रोडक्शन को दे सके हमें बना सके वोट के दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग कि भैया जो वेक्टर तुमने बना दिया है उसका प्रोसेस ठीक से हो वो अच्छे से काम कर पाए वो है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग देखो यही लिखा हुआ इस है इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है ये एनसीआरटी में ही मिलेगा आपको दो चार टॉप तो 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 की वाइटेलॉजी की बुक में लिखा वहां से एनसीआरटी ने पॉइंट उठा के यहां डाल दिया आईएमपी है क्योंकि इसका मतलब जो है वो आपको नॉर्मल एमसीक्यू बुक में पड़ेंगे आपको देखने नहीं मिलेगा ठीक है तो अब इसका मतलब क्या है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग का मतलब क्या है टेन्स ऑफ स्ट्राइल माइक्रोबायल कॉन्टोमिनेशन फ्री एम्बिया इन केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस टू इनेबल ग्रोथ ऑफ ओनलीर्ड माइक्रोबिक सेल इन लार्ज क्वांटिटीज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ बायोटेक्नोजिकल प्रोडक्ट लाइक एंटीबायोटिक वैक्सीन एंजिंग एक बड़े मजे की बात बताऊ आपको मैं पूरा बायोटेक्नोलॉजी का चैप्टर एनसीआरटी ने ऐसे लिखा है ऐसे लिखा है कि पांच बार पढ़ोगे तो भी लगेगा कि क्या पढ़ रहे हैं हम ये ठीक है भगवान जाने कौन ज्ञान दिया एनसीईआरटी को कि तुम लिखना एक लाइन ऐसी लिखना जिसमें कि तुम पूरी कहानी लिख देना बच्चे सुलझते रहेंगे समझ सुलझते रहेंगे उठ के उनको पता नहीं था हेलो सॉरी टू डिस्टर्ब यू इन बिटवीन द लेक्चर बट इट्स इंपोर्टेंट टू इन्फॉर्म यू यू शुड डाउनलोड द बायो मेंटर्स ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर वी नीड योर सपोर्ट छोड़ so, Bye -bye. तो देंगे जो बातें मैंने आपसे कही ना किस कैसे हमने क्या क्या, क्या प्रॉब्लम हो सकती थी कल्चर मीडियम में वही सब लिखा है क्या लिख रहे हैं वो लिख रहे हैं कि देखिए क्या लिख रहे हैं कि बायो प्रोसेसिंग का मतलब मेंस ऑफ स्टाइल माइक्रो बायो कॉन्टामिनेशन फ्री एम्बियांस देखो क्या बोल रहा है वो कह रहा आपसे कि एक ऐसा माध्यम तैयार करेंगे हम जिसके अंदर जो है वो कोई दूसरा माइक्रोबायल का इन्फेक्शन ना हो जिसके अंदर जो स्ट्राइल हो कोई दूसरा माइक्रोव अंदर ग्रो ना करे जिससे कि हमारा डिजायर्ड माइक्रोब है या डिजायर्ड यूक्रेटिक सेल है वो उसमें ग्रो कर सके और उसके बाद उस बड़ी क्वांटिटी में हमारे लिए जो भी हमारे बायोटेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट होते हैं जैसे एंटीबायोटिक है एंटी वैक्सीन है एंजाइम उनको हमें दे सके यही लिखा है ना ठीक है क्लियर चलिए छिपी हुई बातों को सुनना समझना सीखिए ठीक है ना अब आते हैं हम जेनेटिक इंजीनियरिंग पर के हम समझ गए भैया देखो दो इंपॉर्टेंट प्रोसेस जो उनका मतलब क्या है अब हम बात करेंगे स्पेसिफिकली जेनेटिक इंजीनियरिंग के ऊपर हम के क्या होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग के इतना हम समझ गए कि जीन के लेवल पर मैनिपुलेशन के हम इतना समझ गए हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग हमसे कहता है कि हमें मैनिपुलेशन करना है जीन के स्तर पर क्या करना है हमें क्या देख रहे है? हम देख रहे हैं कि हम चाहते हैं डिजायरेबल करेक्टर्स हम चाहते हैं कि जो लक्षण हम चाहते हैं वो होना चाहिए जैसे हम क्या चाहते हैं हम बहुत कुछ चाहते हैं मनुष्य की चाह का कोई एंड नहीं है कि हम चाहते हैं कि हम कपास की खेती करें कॉटन की खेती करें कॉटन की खेती करें और कॉटन में जो है चूंकि एक कीड़ा लगता है कॉटन बॉल वर्म लगता है कपास के अंदर क्या होता है कपास का जो कॉटन का जो बॉल होता है कॉटन बॉल बोल बोलते हैं उसके अंदर वो ग्रो करता है पूरी कॉटन खा जाता है वो तो कहते तो जो जो लोग जो किसान कपास की या कॉटन की खेती करते हैं उन्हें नुकसान होता है वो चाहते हैं भैया ये कॉटन बॉलवर्म ग्रो ना करे तो हमने क्या किया हमने बीटी कॉटन तैयार किया बेसिलसूरो का जीन निकाला कॉटन में डाल दिया हमने अब कॉटन के अंदर जो जो है वो जो है क्या, है वो एक क्रिस्टल प्रोटीन बनता जैसे ही इंसेक्ट कॉटन को खाना शुरू करता है उसके इंटेस्टाइन के अंदर छेद छेद जाता है और वो इंसेक्ट मर जाता है अब जो है वो कॉटन बॉलवर्म जो है वो कॉटन के प्लांट पे ग्रो नहीं कर पाता हो ठीक है हमने क्या किया डीएनए बैक्टेरिया का डीएनए हमने प्लांट में डाल दिया और हमने जो है वो इंसेक्ट रेजिस्टेंस प्लांट को तैयार कर लिया ठीक है हमने क्या कहा हमने कहा हमको हीरोडिन नाम का एक केमिकल चाहिए जिसका इस्तेमाल मेडिकल साइंस में करते हैं हम ब्लड को क्लॉट होने से रोकने के लिए करते हैं तो हमने कहा क्या करें उसके लिए हम उसके लिए काम करते हैं उसके लिए हम जो है वो जोक से निकालते हैं किससे निकलेगा लीच से मिलेगा अरे लीच एनिमल को मारोगे कितने फली के अंदर डाल देंगे सेम ने, बीन्स के बीन्स के प्लांट में डाल देंगे अब जो सेम की फली या बीन निकलेगी उस बीन को बीन के बीज को निकालेंगे और सीड में से हम वो केमिकल निकाल लेंगे क्या ही संभव है यस संभव है इट के इट इज पॉसिबल के अब हम क्या करेंगे हम आने वाला समय हम 25 साल हम बात कर रहे हैं 2050 की बात कर रहे हैं किसी को बीमार हुआ सर्दी जुकाम फ्लू हो रहा है आपने जाके बोला भाई आप सुपर स्टोर पे गए आप आपने कहा कि वो भैया वो वाला कर्ड देना जो कॉमन कौ, कौ, कोल्ड के लिए आता है सर मिल्क भी आता है अच्छा उसके लिए ये जो मिल्क है बच्चे को सुबह दो जो है वो आधा गिलास दूध सुबह पिलेगा आधा शाम को पीलेगा कॉमन कोल्ड ठीक हो जाएगा बुखार भी ठीक हो और बुखार आए तो ये वाला दही खिला देना दो चम्मच उसको आप बोल रहे हो सर कैसी बातें कर रहे हो गोली खाएंगे कि दही खाएंगे एक्चुअली में गाय के अंदर हम वो जीन डाल देंगे इससे ड्रग प्रोडक्शन गाय के दूध के अंदर होने लगेगा मिल्क के अंदर वो प्रोडक्शन होने लगेगा केमिकल का तो हम उस मिल्क का इस्तेमाल दवा के रूप रूप में कर पाएंगे तो बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी जो जिनके जो रिस्पॉन्सिबल है पॉल्यूशन के लिए इसके लिए उसके लिए वो सब खत्म आप जाके देखोगे आने वाले भविष्य वो कहता है कि आने वाले समय आप देखोगे भैया की कोई कंपनी है है जो बड़े फाइन फा, केमिकल्स को बनाती है, तो आपने जाके क्या देखा आपने जाके देखा आप चलो हम एक काम करते हैं चलो आज विश्वकर्मा जयंती है फैक्ट्री घूम के आते हैं होता ना फैक्ट्री लोग घूमने आते हैं उस समय मशीन हैवी मशीनरी की पूजा करते हैं मैं भोपाल में रहा हूं तो मंडी जी वहां पर जगह पास में वहाँ पे विश्वकर्मा जयंती पे लोग फैक्ट्री देखना चाहते थे ना हर स्पिनिंग मिल ना एच बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ यहाँ पे उनको लोग देखने जाया करते थे मैं भी गया था एक बार तो एक्चुअली में आप अब आपको दा, आप जाकर देखते हो अच्छा फैक्ट्री जैसे कि एक बार हमारे हमारे डायबिटीज़ में एक बड़ी कंपनी है जो, जो, जो अच्छी अच्छी मेडिसिन आती है सेनोफी एवेंटिस अमेरिकन बड़ी कंपनी बिग शॉर्ट कंपनी तो उसने एक बार हम लोग को इनवाइट किया कि सर हमारा मेडिसिन जो है वो कितना सफाई से कितना अच्छे तरीके से बनता है तो गोवा में कॉन्फ्रेंस था तो उन्होंने बोला सर हमारा प्लांट विजिट कीजिए तो हम लोग गोवा में सनोफे वेंटिस का प्लांट देखने गए देखा हमने कि अरे जो जो है वो सब कुछ ऑटोमेटेड है ऑटो मशीनें हैं ग्लास लगे हुए हैं पूरा हटके पूरा आपको पर, जो है वो एक प्रकार से जैसे तो ना अंतरिक्ष में जैसे जाता आदमी स्पेस में सूट पहनता है वैसा सूट पहना देंगे ताकि वहाँ पर कोई इन्फेक्शन अंदर ना फें फैल जाए दवाएँ खराब ना हो जाए फिर आपको दिखाएंगे कैसे मशीनें काम करती हैं बड़ी फैक्ट्री के लेकिन आने वाले पचास साल बाद ऐसा नहीं होगा पचास साल बाद होगा कि फैक्ट्री देखना दवा बनाने की चलो हमारे साथ चले गए देखा तो भैया फैक्ट्री में देखा तो क्या है? अरे ये क्या है इतनी सारी गाय घबराइए मत साहब ये, ये रामू काबेला नहीं है ये, ये दवा का कंपनी है दवा कंपनी है हाँ क्योंकि ये गाय जो है इनके ये जेनेटिक इंजीनियरिंग से के अंदर डीएनए डाला गया है अब वो जो दवा हमको चाहिए वो दवा प्रोड्यूस कर रही है दूध को निकालते हैं दूध से हम दवा निकाल लेते हैं अच्छा ऐसा बड़ी बड़ी मशीनों की जरूरत अब नहीं है लिविंग फैक्ट्रीज फ्यूचर ऑफ द मेडिसिन सब कैसे पॉसिबल है आप बोलोगे सब आएगा नीट में क्या अरे नीट में नहीं मैं तो कहता हूँ आपको ये जो जो जो, कौन, जो फंडा है ना ये ये जो चैप्टर है ये चैप्टर आपके पूरे के पूरे दिम, दिमाग के सारे जो है वो जितने तंतु है सब सब हिला देगा बुक की यार ये तो हम कभी सोचते थे हम तो सोचते थे बायोलॉजी लिया और बायोलॉजी लिया मतलब डेड एंड है बायोलॉजी का मतलब आदमी क्या सोचता है कि बायोलॉजी लिया अब मेडिकल तक जाना है जाना जाना अब बता दूँ मैं आपको लोग ऐसे हैं जो एम करने के बाद जिन्होंने जी निकाला और जी निकाल के जो है वो कैलिफोर्निया में गए या बड़े कनाडा में गए वहां जाकर उन्होंने बड़े किसी इंस्टीट्यूट में अटैच हुए और बायो टेक्नोलॉजी में काम

आप बोलोगे सर कैसी बातें करते हैं टमाटर में लाइको पिंक पिगमेंट होता है रेड कलर का होता है एक काम करते हैं ना जेनेटिक इंजीनियरिंग से हम उसके अंदर जो है कुछ ऐसे पिगमेंट प्रोडक्शन की कैपेसिटी डाल देते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए नुकसान ना करें और टमाटर को कलर कर दे आप देखो जापान के अंदर आपको जो है वो देख रहे हैं आप ब्लूइश पर्पल नीले रंग का टमाटर देखने मिल रहा है आपको आपके अब सोचो आप सलाद कटेगा लाल टमाटर नीला टमाटर ऐसा कितना सुंदर लगेगा जापान में लोगों को लगा कि एक्वेरियम में जो मछलियां हैं नहीं क्या होना चाहिए अरे रात को रात को लाइट बंद करें तो मछली चमकना चाहिए ठीक है ग्लोइंग जापान में लोगों ने जीन इंट्रोड्यूस किया उसके अंदर अंदर के ऐसी तैयार कर ली जो रात को जब लाइट लाइट बंद करते हो मछलियां चमकती है वो पूरा एक्वेरियम चमकता रहता है सरप्राइजिंग मतलब जो करेक्टर जो है आप सोचिए आप ऑर्नामेंटल जस्ट द जीन्स अब आप में से बहुत सारे लोग सोचेंगे कि ये इथिकली सही है या नहीं है कि बायो इथिक्स तो हम ये सब बातें करेंगे बाद में बेटा वो भी चैप्टर का हिस्सा है लेकिन वॉट एवर हम बात कर रहे हैं संभावनाओं की बात कर रहे हैं हम अच्छा या बुरा जजमेंटल होकर बात नहीं कर रहे हैं हम संभावनाओं की बात कर रहे हैं दीज आर दी पॉसिबिलिटी जिन पर काम हो रहा है हो चुका है ठीक है फिर क्या होता है पूरी की पूरी इस प्रोसेस में होता यह है कि एक जो है वो डिजायर जीन जिस जीन को आप चाहते हो कि वो जीन जो है वो वो उस जीन का प्रोडक्शन आप चाहते हैं तो आपने क्या किया आपने जो है वो डीएनए कंटेनिंग डिजायर जीन रिमूव फ्रॉम द सेल जिस सेल से आप सेल से आप चाहते हो कि एक पर्टिकुलर करेक्टर आप चाहते हो उस उस करेक्टर को केमिकल को प्रोड्यूस करना और आपको पता है आपको पता है मान लो मैंने आपसे कहा इंसुलिन का एग्जाम्पल ले फिर से इंसुलिन का एग्जाम्पल लेते हैं

जोड़ दिया ठीक है तो क्या बन गया एक नया कॉम्बिनेशन बन गया रिकॉम्बिनेंट है ना कोई देखो एक, एक आपने दो चीजों को जोड़ा मतलब रिकम्बाइन recombin, हो गए वो तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बोलते हैं याद रखिएगा जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए हम एलजीनी वर्ड यूज करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग को हम एलजीनी कहते हैं इसे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी कहते हैं हम ठीक है

जेनेटिक इंजीनियरिंग इज नाउ कंसीडर्ड एज ए काइंड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के आज जेनेटिक इंजीनियरिंग को हम जो एक प्रकार का बायोटेक्नोलॉजी मानते हैं कि हम कहते हैं कि इट्स ए मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के इट इज एसेंशियली द अल्टरेशन ऑफ जेनेटिक मेकअप ऑफ सेल बाई डिवरेट एंड आर्टिफिशियल इसमें हम क्या करते हैं एक कोशिका के जेनेटिक मेकअप में चेंज करते हैं आर्टिफिशियल तरीके से ठीक है ना और इसमें बेसिकली क्या करते हैं हम रिकॉम्बिनेट डीएनए को तैयार करते हैं रिकॉम्बिनेट डीएनए मतलब दो डिफरेंट टाइप के डीएन डिसमिलर डीएनए को जोड़ोगे आपस में तो रिकॉम्बिनेट डीएनए बनेगा ठीक है क्लियर दिस कैन बी मेड पॉसिबल बिकॉज अब क्यों संभव है ये क्योंकि देखो हमारे पास कुछ स्पेसिफिक टूल्स लगे हैं हमारे हाथ में कुछ स्पेसिफिक टूल्स लगे हैं कि हम डीएनए को मनचाही जगह से काट सकते हैं और कहीं और जाके जोड़ सकते हैं काटने वाला टूल क्या है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम और जोड़ने वाला क्या है लाइगेज एंजाइम क्या लिखा हमने कहा ये क्यों पॉसिबल है बिकॉज वी कैन कट डीएनए मॉलिक्यूल एट स्पेसिफिक साइट हम डीएनए मॉलिक्यूल को विशेष स्थानों पर काट सकते हैं ये सब एमसीक्यू है बेटा ठीक है अभी बायोटेक्नोलॉजी में आपके जो डीपीएस मिलना शुरू होंगी ना आपको तो भर भर कर एमसीक्यू मिलेंगे आपको कम से कम हम बायोटेक्नोलॉजी में 500 से प्लस एमसीक्यू सॉल्व करेंगे थ्रू डीपीएसर यहां से वैरायटी ऑफ क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा वैरायटी ऑफ क्वेश्चन पूछेगा शपथ है हम लोगों को बेटा कोई क्वेश्चन गलत करके नहीं आएंगे इसमें से हम फोड़ कराना है प्रमोट के मेरे साथ रहिए बस के जमकर मेहनत कीजिए मत म, जो है वो मेहनत से मुंह मत मत छुपाइए के हमको जमकर मुकाबला करना है ये सपना आपका नहीं है ये सपना मेरा भी है हमारा सबका सपना है और हम एक फैमिली हैं यदि आप मुझको कमर्शियल कोचिंग इंस्टीट्यूट समझते हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप मेरे सेंटीमेंट से खेल रहे हैं यदि आपको लगता है कि मेरे लिए ये मेरे लिए मेरे मेरे को आपको कहा लगता है। मेरे को आपको जो है इतने सारे इस, सा, इस साल जो है मेरे को इतने सारे सारे ऑफर हैं आपको बता दूं मैं कि नाम नहीं लूंगा बेट के एक इंडिया का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने मेरे को कई बार संपर्क किया और मुझे पता है आपको मुझे क्या ऑफर किया उन्होंने मुझे उन्होंने बोला थ्री करोड़ के तीन करोड़ रुपए साल का देंगे आप आपको सिर्फ ये अपना चैनल बंद करके आपको हमारे साथ जुड़ के हमारे लिए काम करना है ठीक है बहुत बड़ा मैं मेडिकल प्रैक्टिस से तीन करोड़ रुपए साल का नहीं कमा सकता ठीक है अरे मैं कितना कित कितना पेशेंट डे देखूंगा भाई कितना पेशेंट को ट्रीट करूँगा इसके लिए लेकिन मुझे इतना बड़ा ऑफर दिया उन्होंने आपको पता है मैंने कि मैं जब मैं कोई जब मुझे कोई ऑफर देता है लालच देता है तो मैं हमेशा क्या मैं अपनी आंखें बंद करता हूं और मैं अब मेरे पास एक वीडियो है बायोमेट्रस का फैमिली वीडियो है अभी एक बार हम जब हमारे थ्री लैख सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो हम एक बार वीडियो और बनाएंगे अपना फैमिली वीडियो के वो वीडियो मुझे याद आता है सबके घर दिखाई देते हैं मुझे उसके सब कमांडोज मुझे दिखाई पड़ते हैं आँखें बंद करता हूँ इतने सारे बच्चे मेरी आंखों के सामने घूम जाते हैं कि मेरा मन अंदर से लगता है मुझे लगता है नहीं आई एम नॉट गोइंग टू सेल माई सेल्फ बिकॉज आई हैव लॉट्स ऑफ ड्रीम्स विथ मीट के मेरे साथ बहुत सारे सपने जुड़े के और मुझे कोई हक नहीं मैं इन सपनों को बेच दू किसी किसी लालच में आकर के और मैं खाता वही दो रोटी हूँ वो भी गेहूं की रोटी नहीं खाता हूँ उठ के वो मुझे गेहूँ सूट नहीं करता मैं रागी बाजरा की रोटी खाती हूँ बाजरा रागी सस्ता आता है वही मैं सब्जी खाता हूँ कम तेल की सब्जी खाता हूँ उठ के अक्सर जो है वो डाइट में जो है वो छुट कम पोर्सन डाइट डाइट करता हूँ मेरे पास कार है मेरे पास घर है मेरे पास जो है वो मेरी वाइफ भी अच्छी जॉब में हट के मैं उसके बाद यदि मैं और नोट कमाऊँगा तो खाऊंगा क्या नोट को मैं और मुझे मालूम है कि मैं कितने कुछ कर लूँ पढ़ा पढ़ा कर अंबानी नहीं बन सकता ठीक है और जो है मैं मेडिकल प्रैक्टिस से भी अम्बानी नहीं बन सकता तो जब मैं अंबानी नहीं बन सकता तो मैं भैया अपने आप को कम से कम चलो अपने अपने नैतिक आधार को मजबूत किया जाए मुझे बहुत लोग ऑफर करते हैं एक एक कोई आए गोखल गवर्नमेंट सप्लाई में कि आप, आपका पेन ड्राइव बेचना शुरू करते हैं आप ये बंद करो पेन ड्राइव बनाना बेचेंगे तो बहुत बड़ा बिजनेस हो जाएगा मेरा बिजनेस प्लान सिर्फ एक है मेरा सिर्फ एक बिजनेस प्लान है क्रांति रिवॉल्यूशन इन एजुकेशन फील्ड रिवॉल्यूशन इन हेल्थ केयर फील्ड के बस बस मुझे वही चाहिए मुझे कुछ नहीं चाहिए क्या अब आप बोलोगे सर ये बेटा वो जो सब्सक्रिप्शन वगैरह जो जो आप बायोमेंटर में, में कंट्रीब्यूट करते हो ना वही तो फ्यूल है हम इतने लोगों की सैलरी दे पाते हैं हम अपना सिस्टम पूरा रन कर पाते हैं वही तो है वही तो कंट्रीब्यूशन है वही तो क्रांति के क्रांति के लिए भी हमको जो है वो ईर्धन की जरूरत होती है वो ईर्धन आप कंट्रीब्यूट करते हो के? तो मैं आपको बताया था बेटा यहाँ पे कि एक्चुअली में जो है हम जो भी चीजें के तो अभी 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 जहां बा, जहां बात हम देखा अपनी थी मैंने आपसे कहा था कि आ, बात जो है मुद्दा इधर से उधर हो गया बात करते में मैं थोड़ा सा सेंटिमेंटल हो गया और आपसे जो है वो अपनी बातें पर्सनल शेयर कर दी प, कभी कभी होता है ना कि आदमी जब कभी होता है तो उसको लगता है कुछ बातें दिमाग में चल रही है तो कह देते हैं आप सच के तो अदरवाइज मत लिया करो इन चीज़ों को लेकिन ये कि हाँ मन करता है आपसे बात करने का क्योंकि आप यू आर लाइक माई फैमिली तो मैं आपसे कम्युनिकेट कर लेता चीजों को तो मैंने आपसे कहा बेटा कि एक्चुअली में क्या होता है कि आप पॉसिबल क्या, क्या, क्या है कि हम आज हम इस बात समझ चुके हैं कि डीएनए को हम स्पेसिफिक जगह पर काट सकते हैं रेस्ट्रिक्शन है एंडोन्यूक्लियस हमारे पास में जो कट लगा सकता है ठीक है ठीक फिर हमने क्या कहा हमने कहा पे कि जो है वो पॉसिबल बिकॉज वी कैन कट मॉलिक्यूल एट स्पेसिफिक साइट के टू गेट फ्रेगमेंट्स कंटेनिंग डिजायरेबल एंड यूजफुल जीन फ्रॉम दी वन टाइप ऑफ सेल के अब चूंकि हमारे पास एक तरह की सेल में एक पर्टिकुलर डीएनए है जिस डीएनए को हम चाहते हैं उसे हम काट सकते हैं और काटना हमें हमें मालूम चल गया है कि हम स्पेसिफिक जगह पर कट लगा सकते हैं क्योंकि हमारे पास रेस्ट है ठीक फिर जीन्स कैन बी इंसर्टेड इन टू कन्वीनियंट होते हैं प्लाजमिट प्लाजमिट को बेक्टल सेल से बाहर निकाल सकते हो और बेक्टल सेल में री इंट्रोड्यूस कर सकते हो ठीक है तो बेक्टल सेल के साथ प्लाजमिट बाहर निकाला प्लाज्मिट में आपने अपना कट लगाया और अपना फॉरन डीएनए डाल दिया और प्लाज्मिट को री इंट्रोड्यूस कर दिया बेक्टल सेल के साथ दोबारा प्लाजमिट चला गया अब

ठीक है यदि प्लांट में आप इंट्रोड्यूस करोगे तो डिजीज कैरेक्टर को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं ठीक है तीके? लेकिन इस पूरी टेक्निक में जो है हमको हाँ है हमको हाई लेवल ऑफ स्किल और की जरूरत होती बहुत सावधानी के साथ टेक्निक करनी पड़ती है बड़े माइक्रो इक्विपमेंट होते हैं कई सारे एंजाइम इस्तेमाल करने होते हैं और बड़े इंटेलिजेंट तरीके से होती है इसलिए डिग्री इसके लिए डिग्री होती है कि आप क्या कर सकते हैं आपको जो है वो यदि इफ यू वांट टू परस्यू इन बायोटेक्नोलॉजी फील्ड तो आपको देखो आप क्लियर कर दू मेटे भारत के इंडिया के अंदर बायोटेक्नोलॉजी के गिने चुने इंस्टीट्यूट है वहां से ग्रेजुएशन करने के बाद आपको एब्रॉड जाके पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि इंडिया में रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए अच्छा माहौल नहीं है ठीक है मैं अपनी कंट्री की बुराई नहीं कर रहा हूँ परंतु तो जो सच्चाई है वो बता रहा हूं कि हमारे इंडिया में इनफैक्ट मैं कहता हूँ सबके साउथ ईस्ट एशिया में पूरे के पूरे साउथ साउथ एशिया के अंदर जो है वो अच्छा इन्वायरमेंट रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए नहीं है जापान में है ठीक है चाइना में है लेकिन जो है हमारे इंडिया में बात करें हम के और आसपास नेबरिंग कंट्रीज में बात करें तो वहां पर रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए बड़ा स्कोप नहीं है ठीक है जितनी भी बायोटेक्नोलॉजी की बड़ी आर सब सब होती है में यूरोप के अमेरिका में होती है, में होती है, के होती है, में होती है अधिक अच्छा माहौल जो है काफी अच्छे बायोटोलॉजी प्रेजेंट है जो है वो बायोटेक्नोलॉजी में कोर्स किया उसने और वो अभी किसी ड्रग कंपनी के लिए काम कर रही कोई मॉलिक्यूल खोज रहे वो लोग अभी इतने के जो एक नया एंटीबायोटिक होगा आपको बता दू मैं कि इस तरह की जो खोज होती है ना वो पूरी की पूरी ह्यूमन जनरेशन को अफेक्ट आप रहे कई सौ सालों तक जो है मानव सभ्यता का भला करती है आप सोचिए ना कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो खोज की थी क्या वो आज हमारे काम नहीं आती है सेलमेन ने जो खोज की थी क्या वो हमारे काम नहीं आती है आज भी हमारे काम आती है एडवर्ड जनर ने जो खोज निकाला था वो क्या हमारे काम नहीं आता है आज भी हमारे काम आता है तो बायोटेक्नोलॉजी आपको जो है वो कई पीढ़ियों के लिए आप, आपको जो है वो एक वरदान देकर जाती है

इनके साथ में हजारों लाखों लोग रहे होंगे किसी का नाम लेते हैं हम किसी का नाम नहीं लेते हैं क्या? किसी देश के हमने एक बात किया हमने कहा कि डार्विन जब थे तो हमने वहां के प्रेसिडेंट का वहां के प्राइम मिनिस्टर का किसी का जिक्र किया नहीं किया हमने डार्विन का जिक्र किया हमने मेंडल का जिक्र किया हमने ऑस्ट्रिया के प्रेसिडेंट कौन थे उस समय हमें नहीं मालूम ना जानना चाहते हम ठीक है हमने नहीं बात किया अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजा तो हमने बताया नहीं कि उस सिटी के मेयर कौन थे उस सिटी के उस कंट्री के जो है वो समय प्राइम मिनिस्टर कौन थे हमने बात की नहीं बात की हमने फ्लेमिंग की बात की हमने आई बात समझ में इंपैक्ट इज इंपॉर्टेंट ठीक जिंदगी में याद रखना इस चीज को थे? जब मौका मिलता है भाषण देने लगता नहीं ठीक है जब मौका मिलता है तब आपके आत्मा के तार को हिलाने की कोशिश करता हो जागो

जेनेटिकली और ऑर्गेनिज्म और जीएमओ वर्ड का हम इस्तेमाल करते हैं क्या वर्ड यूज करते हैं हम जीएमओ वर्ड यूज करते हैं क्लियर ठीक है क्या लिखा हुआ द प्रोडक्ट ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इज नोन एज जेनेटिकली ऑर्गेनिज्म जीएमओ कहते है उसे हैं उसे हम ठीक है बेटा क्लियर चलिए अब प्रश्न उठता है कि व्हाट आर द टूल्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या टूल्स यूज करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में जैसे आप देख रहे हो एनिमेशन में एक नेल है एक हैमर है हथौड़ा है कील है तो क्या ऐसे नहीं यहां पर हम बड़े फाइन टूल्स इस्तेमाल करते हैं क्या होते हैं वो टूल्स के देखिए हमेशा याद रखिएगा कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम बायोलॉजिकल टूल्स का इस्तेमाल करते हैं हम जैविक टूल्स या बायोलॉजिकल टूल्स का यूज करते हैं वो होते हैं एंजाइम होता है ठीक है फॉरेन या पैसेंजर डीएनए होता है वेक्टर व्हीकल डीएनए होता है सी डी एन ए बैंक होता है जीनोमिक लाइब्रेरी होती है एक एक टूल को हम ध्यान से पढ़ेंगे कि वो क्या होता है ठीक है ना मतलब हमें बहुत कुछ पढ़ना है इसमें भी क्लियर हम बात करेंगे बेटा कि बायोलॉजिकल तो नोट कर लेना बेटा के एनसीआर टी में नहीं बायोलॉजिकल एनसीआर टी में जो है लिखा हुआ है बिखरा हुआ लिखा है बेटा हम एक जगह पे ठीक से सिम्पल देखो एनसीआरटी की लैंग्वेज हम पूरी पूरी समझेंगे लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड है तो हमें कॉम्प्लिकेशन को सिंप्लीफाइड करना है तो पहले मेरे अनुसार समझ लीजिए फिर मैं आपको एनसीआर का पूरा स्टेटमेंट समझा दूंगा है ना यकीन ठीक है कर लेंगे सारा फोड़ देंगे बेटा हम है ना चलो तो क्या कहा मैंने? Tools of genetic engineering, enzymes हुए कहां और पैसेंजर डीएनए है? हैं हम ठीक है लेक्चर के आखिरी हिस्से में हम हैं। मैंने कहा आपसे अनुवांशिक अभियांत्रिकी में किन का उपयोग करते हैं चलो हम नोट करते हैं के बाद exonucle, नोट करते एक्सो न्यूक्लियस एंडोन्यूक्लियस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डीएनए लाइगेस फॉस्फेटेज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ठीक है लिखा बेटा आपने एक्सोन्यूक्लियस एंडोन्यूक्लियस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डीएनए लाइगेस एल्कलाइन फॉस्फेटेज और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ठीक है ये इंपॉर्टेंट एंजाइम होते हैं ठीक है और एक और लिख लीजिए बेटा डीएनए पॉलीमरेज जो डीएन जो जो डीएनए हमने जो जो भी रिकॉमेंड डीएनए तैयार किया उसको वो जो है मल्टीप्लाई करने में हमारी हेल्प करता है ठीक है ना जिसका इस्तेमाल हम जो है वो क्या करते हैं डीएनए को मल्टीप्लीकेशन में करते हैं ठीक है तो एक्जो न्यूक्लियस एंडोन्यूक्लियस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डीलाइगेज एल्क्लाइन फॉस्फेटेज ठीक है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज डीएनए पॉलीमरेज ये सब एंजाइम जो है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं ठीक है और सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम क्या है देखो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम वो है जो डीएनए को काटता है वो है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और जो जोड़ता है वो है लाइगेस के द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंज यदि हम कहें आपसे कि इस पूरी प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम क्या है तो वो जो कट करेगा क्योंकि हमारा पर्पस क्या है डीएनए को काटा कहीं से और कहीं जोड़ दिया के तो काटने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस चाहिए और जोड़ने के लिए लाइगेस चाहिए ठीक है यहां पर हमारी कहानी को हम रोकते हैं ठीक है ठीक सस्पेंस बरकरार है कि आगे क्या होने वाला है क्या हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं तो चलिए जो भी पढ़ेंगे हम बिल्कुल सुलझा लेंगे उसको हम ताकि चैप्टर हमारे जो है वो रटना ना पड़े ऐसे याद हो हमको कोई हमसे बायोटेक्नोलॉजी कुछ भी पूछे ना मैं आपसे कहता हूं बेटा चैप्टर खत्म होने के बाद बायोटेक्नोलॉजी में आदमी, आदमी आपसे कुछ भी पूछेगा ना आप सबसे पहले व्यक्ति होंगे जो उसका आंसर करेंगे ठीक है ना क्लियर चलिए तो पढ़ते रहिए बेटा मेहनत करते रहिए और जो है वो लगातार अपने आप को मोटिवेट रखिए हमेशा अपने आप को चैप्टर से इन्वॉल्व कीजिए देखो मैं हमेशा कहता हूँ कि चैप्टर पढ़ते समय केवल दिमाग नहीं लगाना अपनी सोल भी टच करना उस मिनट के जिससे कि हमको लगे कि हम रट नहीं रहे हम समझ रहे हैं और हमें एम सी क्यू लगाने में मजा नहीं यानी मैं कहता हूँ आपसे कि जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं बायोमेट्रा में उसे करने के बाद में आप ढूंढ ढूंढ के एम सी क्यू लगाते होंगे आप सच्चे कमांडो हैं तो आप ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन लगाते होंगे आप खुशी मिलती है क्वेश्चन लगाने के बाद ठीक है और ऐसा होना चाहिए ऑल बेस्ट तो आपने लेक्चर नंबर टू भी कवर किया आपने और बहुत कुछ सीखा इस लेक्चर में काफी कुछ सीखने का था और बड़े सारे एमसीक्यू पर बनते हैं तो प्लीज बेटा डीपीपी सॉल्व करना मत भूलिएगा और परफॉर्मेंस एनहांसमेंट शेड्यूल में देखते रहिएगा कोई भी डाउट इस लेक्चर लेक्चर के दौरान आपको उठाओ बेटा कोई चीज समझ में ना हुई हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा है ना ठीक है तो पढ़ते रहिए मेहनत करते रहिए ऑल दी बेस्ट Hi. To become an official commando of Biomentors. Join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers. An online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download by a Mentors Online app from Google Play Store.